सीबीएसई पेपर लीक में दिल्ली पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर को लीक करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने बाहरी दिल्ली के भवाना इलाके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 टीचर्स हैं जबकि 1 कोचिंग सेंटर चलाने वाला है, यानी कि 2 टीचर्स और 1 कोचिंग सेंटर चलाने वाले को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों पर 12वीं के इकोनॉमिक्स का पेपर लीक करने का आरोप है। आरोपी टीचर ऋषभ और रोहित की ड्यूटी भवाना के एमके कॉन्वेंट स्कूल में लगी हुई थी। एग्जाम के दौरान ड्यूटी लगी हुई थी इन दोनों की। इकोनॉमिक्स का पेपर शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले दोनों टीचर्स ने पेपर की फोटो खींचकर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले ताकीर को भेज दी। मतलब पेपर आया सेंटर में, आधे घंटे पहले पेपर की तस्वीर खींची और कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले ताकीर को भेज दी। भवाना के स्कूल में पेपर 9:45 शुरू होना था, उसे आधे घंटे पहले 9:15 ऋषभ और रोहित ने पेपर लीक कर दिया था। हालांकि पहले इस तरह की खबरें थी, ये जांच में सामने आया था कि एक रात पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी कि पेपर लीक हो गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आधे घंटे पहले पेपर लीक हुआ था।